हेलो फ्रेंड्स एंड ऑल माय डियर स्टूडेंट, भगवती पीजी कॉलेज ऑनलाइन क्लासेस में आपका एक बार फिर से स्वागत है। बीएससी सेकंड ईयर के स्टूडेंट ध्यान दें कि लास्ट टॉपिक में हमारा चल रहा था रूल्स, ठीक है, जिसके अंतर्गत हमने मूलों में रूपांतरण का अध्ययन किया था। आज हम पढ़ने वाले हैं द्विबीजपत्री मूलों में होने वाली द्वितीय वृद्धि, ठीक है, मूलों में द्वितीय वृद्धि। जैसा कि लास्ट हमने शूट सिस्टम में पढ़ा था, ठीक है, कि द्वितीय वृद्धि किसे कहते हैं, तो सेकेंडरी ग्रोथ अर्थात द्वितीय वृद्धि का अर्थ होता है तने की व्यास में वृद्धि, इसमें सॉरी व्यास में वृद्धि। हम मूलों में पढ़ रहे हैं इसलिए क्या कह देते हैं, मूलों के व्यास में होने वाली वृद्धि, ठीक है, मूलों के व्यास में, ठीक है, होने वाली वृद्धि को क्या कहा जाता है, द्वितीय वृद्धि कहते हैं, ठीक है, क्या कहते हैं, द्वितीय वृद्धि कहते हैं, जिसके कारण मूलों की मोटाई में क्या हो जाती है, वृद्धि होती है, मूल जो होती है वो भी हो जाती है, ठीक है। अब ये सेकेंडरी ग्रोथ जो है किसके कारण होती है, इसका जो मेन पॉइंट होता है कि मूलों के व्यास में वृद्धि होती है किसके कारण होती है, द्वितीय वृद्धि के कारण, इसके कारण द्वितीय वृद्धि के कारण, द्वितीय वृद्धि जो होती है किसके कारण होती है कि इसमें मूलों में किनका निर्माण होता है, द्वितीय कूटकों का निर्माण, ठीक है, किसका निर्माण होता है, द्वितीय कूटकों का निर्माण होता है, अर्थात सेकेंडरी जाइलम और सेकेंडरी फ्लोएम का क्या होता है, निर्माण होता है, जिसके कारण मूलों के व्यास में क्या होती है, वृद्धि होती है, ठीक है। अब मूलों में होने वाली द्वितीय वृद्धि है वो मुख्य रूप से तीन चरणों में होती है, कितने चरणों में होगी, तीन चरणों में होती है द्वितीय वृद्धि, कितने चरणों में, तीन चरणों में पाई जाती है, ठीक है। इसका पहला चरण जो है वह है संवहन एधा का निर्माण, ठीक है, किसका निर्माण, संवहन एधा वलय का निर्माण, संवहन एधा वलय का जो निर्माण होता है वह कितने चरणों में कंप्लीट होता है, दो चरण, तीन चरण, ठीक है। पहला जो चरण है इसका वह है फ्लोएम एधा का निर्माण, किसका निर्माण, फ्लोएम एधा का निर्माण, ठीक है। सेकेंडरी जो स्टेप है इसकी, ठीक है, सेकेंड स्टेप है जाइलम एधा का निर्माण, किसका निर्माण, जाइलम एधा का निर्माण, सेकेंड स्टेप। एंड थर्ड स्टेप जो है वह है वैस्कुलर ईडेम अर्थात संवहन एधा वलय का निर्माण, ठीक है, इन दोनों के कारण किसका निर्माण होता है, संवहन एधा वलय का निर्माण होता है। थर्ड प्रोसेस सेकेंड स्टेप जो है जिससे वृद्धि की वो है हमारा संवहन एधा वलय की क्रियाशीलता, क्या है, संवहन एधा की क्रियाशीलता, संवहन एधा की क्रियाशीलता तथा द्वितीय ऊतकों का निर्माण, किसका निर्माण, द्वितीय ऊतकों का निर्माण, सेकेंड स्टेप। और जो थर्ड स्टेप है वह क्या है, समय एधा की क्रियाशीलता के द्वारा किसका निर्माण होता है, द्वितीय ऊतकों के निर्माण के पश्चात कागजन की उत्पत्ति, कागजन की उत्पत्ति वह इसकी क्रियाशीलता या सक्रियता, ठीक है, वह इसकी सक्रियता, या कहते हैं हम थर्ड जो प्रोसेस है वो है पेरिडर्म का निर्माण, ठीक है, क्या है, पेरिडर्म का निर्माण। इन चरणों में क्या होती है, हमारे मूलों की द्वितीय वृद्धि होती है। तो कौन कौन से चरण पढ़ने वाले हैं, हम देखें कि जो पहला चरण है वह है संवहन एधा वलय का निर्माण, ठीक है, जो कि तीन चरणों के अंतर्गत कंप्लीट होती है, फ्लोएम एधा का निर्माण, जाइलम एधा का निर्माण और संवहन एधा वलय का निर्माण। दूसरी जो स्टेप है वह है संवहन एधा की क्रियाशीलता तथा द्वितीय ऊतकों का निर्माण, और थर्ड स्टेप है कागजन की उत्पत्ति का सक्रियता या पेरिडर्म का निर्माण। मुख्य रूप से देखते हैं अब ये तीनों प्रोसेस जो है स्टेप जो है किस प्रकार से कंप्लीट होती है। सबसे पहले हमको क्या पता होना चाहिए कि रूट की प्राइमरी स्ट्रक्चर क्या होती है, ठीक है, प्राथमिक संरचना क्या होती है, प्राइमरी स्ट्रक्चर ऑफ रूट, ठीक है। अब जो मूलों में द्वितीय वृद्धि होती है वो कौन से प्रकार की मूलों में होती है, केवल और केवल द्विबीजपत्री मूलों में द्वितीय वृद्धि पाई जाती है, एकबीजपत्री मूलों में द्वितीय वृद्धि नहीं होती है, ठीक है। क्यों, इसका मेन कारण जो है वो यह है कि
प्राथमिक एकबीजपत्री मूलें जो होती हैं उसमें एधा क्या होती है, अनुपस्थित होती है, जबकि द्विबीजपत्री मूलों में एधा उपस्थित होती है। इसलिए एधा की क्रियाशीलता के द्वारा ही द्वितीय वृद्धि होती है, इसलिए एकबीजपत्री मूलों में द्वितीय वृद्धि नहीं पाई जाती है, केवल और केवल द्विबीजपत्री मूलों में द्वितीय वृद्धि पाई जाती है। अब प्राइमरी स्ट्रक्चर को देखते हैं हम इसके द्विबीजपत्री मूलों की, तो मध्य में क्या होता है वैश्वर्णवर्ण जैसे कि हम जानते हैं, ठीक है, वैश्वर्णवर्ण के ऊपर किसका आवरण पाया जाता है, पेरिसाइकल का आवरण, किसका आवरण, पेरिसाइकल का आवरण, और लास्ट में क्या उपस्थित होता है प्रोटेक्स और हमारा एपिडर्मिस उपस्थित होता है, उपस्थित होता है प्रोटेक्स तथा एपिडर्मिस उपस्थित होता है। ये इसकी क्या होती है प्राइमरी स्ट्रक्चर, ठीक है। सबसे बाहरी रीजन क्या हुआ एपिफ्लेमा, ठीक है, क्या है एपिफ्लेमा, एपिफ्लेमा के नीचे क्या पाया जाता है कॉर्टेक्स उपस्थित होता है, बल्बुल उपस्थित होता है, बल्बुल के नीचे क्या उपस्थित होगी एंडोडर्मिस, एंडोडर्मिस तथा एंडोडर्मिस के नीचे क्या उपस्थित होती है पेरिसाइकल, ठीक है, क्या उपस्थित होती है पेरिसाइकल, परिणाम उपस्थित होता है तथा इसके अंदर रंग उपस्थित होता है। रंग की कंडीशन क्या होती है देखते हैं कि इसमें जो द्विबीजपत्री मूल होती है उनमें वैश्वर्णवर्ण जो होते हैं मोस्टली कैसे होते हैं डाईऑस्टू टेट्राड्स, ठीक है, कैसे होते हैं डाईऑस्टू टेट्राड्स पाए जाते हैं, अर्थात द्विबीजपत्री मूलों के अंतर्गत जो वैश्वर्णवर्ण की स्थिति है वो क्या होनी चाहिए, वैश्वर्णवर्ण जो है मुख्यतः कैसे होनी चाहिए इसके डाईऑस्टू से टेट्राड्स होने चाहिए, ठीक है, कैसे होने चाहिए डाईऑस्टू से टेट्राड्स होने चाहिए, ये सब कंडीशंस क्या रहेंगी हमारी सेम रहेगी, ठीक है, इसके ये क्या है भाई एपिफ्लेमा, ठीक है, ये क्या है कॉर्टेक्स, ये क्या है एंडोडर्मिस, ठीक है एंडोडर्मिस, ये क्या है पेरिसाइकल, ठीक है परिणाम। अब देखते हैं इसमें क्या कंडीशंस होती है जो हमारे होते हैं जो वैश्वर्णवर्ण होते हैं जाइलम और फ्लोएम, ठीक है, कौन से जाइलम और फ्लोएम होते हैं, इसमें फ्लोएम विधा का निर्माण काफी
फ्लोएम है, क्या है फ्लोएम है, फ्लोएम के नीचे भाग की कोशिकाएं कैसे हो जाती है, मेरिस्टमैटिक हो जाती है, कैसे हो जाती है मेरिस्टमैटिक हो जाती है, मेरिस्टमैटिक होकर किसका निर्माण करती है फ्लोएम के द्वारा का निर्माण करती है। इस प्रकार से ये फ्लोएम में जो होता है किस रूप में हमें प्रोटीन पाई जाती है, एक अर्धचापाकार रूप में व्यवस्थित होती है, इसके रूप में व्यवस्थित होगी अर्धचापाकार रूप में व्यवस्थित होती है। ये क्या है इसमें कि जो फ्लोएम होता है, फ्लोएम के निचले भाग की जो कोशिकाएं होती है वो कैसे हो जाती है मेरिस्टमैटिक हो जाती है, और ये अर्धचापाकार कोशिकाओं का निर्माण करती है, अर्धचापाकार वलय का निर्माण करती है, ये अर्धचापाकार जो वलय होती है वही वलय क्या कहलाती है हमारी फ्लोएम कैंबियम, ठीक है क्या कहलाती है फ्लोएम कैंबियम कहलाती है, जिसको क्या कहते हैं हम फ्लोएम वेधा कहते हैं। और फ्लोएम वेधा में क्या परिवर्तन होते हैं, देखो जब फ्लोएम वेधा उत्पन्न हो जाती है तो फ्लोएम वेधा की सक्रियता से बाहर की ओर, ठीक है फ्लोएम क्या है फ्लोएम वेधा, फ्लोएम वेधा फ्लोएम वेधा की सक्रियता से बाहर की ओर तो किसका निर्माण हो जाता है सेकेंडरी फ्लोएम का निर्माण होता है, किसका निर्माण हो जाता है सेकेंडरी फ्लोएम का निर्माण हो जाता है, तथा फ्लोएम वेधा के केंद्र की ओर अंदर की ओर, ठीक है ये अंदर की ओर जो है वो किसका निर्माण होता है अंदर की ओर सेकेंडरी जायरम का निर्माण होता है, इसका निर्माण होता है सेकेंडरी जायरम का निर्माण हो जाता है, ये प्राइमरी फ्लोएम, ठीक है क्या है प्राइमरी फ्लोएम और एंडेस इज प्राइमरी जायरम, ठीक है क्या है प्राइमरी जायरम। तो ये पहला चरण तो होता है कंप्लीट होता है, फ्लोएम वेधा का निर्माण दोबारा से होंगे, फ्लोएम वेधा का निर्माण किस प्रकार से होता है कि फ्लोएम जो होता है प्राइमरी फ्लोएम जो होता है प्राथमिक फ्लोएम जो होता है ये देखिए, ठीक है ये देखते हैं हम इसके जो फ्लोएम वेधा के पश्चात, ठीक है तो ये प्राइमरी जायरम जो होता है प्रोटोजायरम के सम्मुख कोशिकाएं, इसके सम्मुख कोशिकाएं प्रोटोजायरम के सम्मुख की कोशिकाएं क्या हो जाती है मेरिस्टमैटिक हो जाती है, और मेरिस्टमैटिक होकर किसका निर्माण करती है जायरम वेधा का निर्माण करती है, किसका निर्माण करती है जायरम वेधा का निर्माण करती है, जायरम वेधा के निर्माण के पश्चात अंतिम होता है क्या हो जाती है वृद्धि हो जाती है, जिसके द्वारा ये इस प्रकार से ये देखते हैं, ठीक है इस जायरम वेधा का निर्माण किस प्रकार से होता है कि जो प्रोटोजायरम होता है, कौन सा जायरम प्रोटोजायरम होता है, प्रोटोजायरम के सम्मुख भाग की कोशिकाएं, ठीक है सम्मुख भाग की कोशिकाएं क्या हो जाती है एक्टिव हो जाती है, हो जाती है एक्टिव हो जाती है, और एक्टिव होकर किसका निर्माण कर देती है जायरम वेधा का निर्माण, किसका
का निर्माण करती है, जाइलम इलियम का निर्माण करती है। जाइलम इलियम की सक्रियता से ठीक है 50 सेकेंडरी ऊतक जो है सेकेंडरी जाइलम ठीक है, ये क्या है सेकेंडरी फ्लोएम और ये क्या है सेकेंडरी जाइलम ठीक है, सेकेंडरी जाइलम की मात्रा में क्या हो जाती है वृद्धि हो जाती है। सेकेंडरी जाइलम और सेकेंडरी फ्लोएम की मात्रा में वृद्धि होती है। तो इस प्रकार से देखते हैं कि दूसरा जो है जाइलम रेखा का निर्माण हो जाता है ठीक है। अब थर्ड चरण जो है हमारा क्या है संवहन रेखा पलय का निर्माण, इसका निर्माण संवहन रेखा पलय का निर्माण। और संवहन रेखा पलय का निर्माण इस प्रकार से होता है देखो कि जो हमारे क्या है फ्लोएम रेखा है ठीक है, फ्लोएम केम्बियम और दूसरी कौन सी केम्बियम निर्मित हुई है समय रेखा वलय का निर्माण होता है इस प्रकार से। ये कौन सी रेखा वलय निर्मित हुई हमारी वैस्कुलर केम्बियम ठीक है, कौन सी केम्बियम वैस्कुलर केम्बियम ठीक है। समय रेखा, समय रेखा की सक्रियता से क्या होता है कि अंदर की ओर ठीक है, समय रेखा की क्रियाशीलता से अंदर की ओर जो टोटल जाइलम के सम्मुख की कोशिकाएं हैं ठीक है वो भी कैसे हो जाती है मेरिस्टमैटिक हो जाती है, जैसे कहेंगी मेरिस्टमैटिक हो जाती है तथा यह बाहर की ओर को किसका निर्माण कर लेती है सेकेंडरी फ्लोएम का निर्माण करती है और अंदर की ओर किसका निर्माण करती है सेकेंडरी जाइलम का ठीक है, किसका निर्माण करेगी सेकेंडरी जाइलम का निर्माण करती है इस प्रकार से ठीक है। ठीक है किसका निर्माण करेंगी सेकेंडरी मेडुलरी बेस का निर्माण।
करती है। इस प्रकार से प्रकृति में क्या होती है, तो टाइम में वृद्धि जाती है, सेकेंडरी टाइम और सेकेंडरी पुनर्वर्तमान होता है। ठीक है, वैष्णव नियम के बाहर की ओर सेकेंडरी पुनर्वर्तमान तथा इसके अंदर की ओर किसका निर्माण हो जाता है, सेकेंडरी जाइलम का निर्माण हो जाता है फ्यूजिफॉर्म सेल्स के द्वारा तथा एक न्यूक्लियस के द्वारा किसका निर्माण हो जाता है, सेकेंडरी मैक्युलरी लेयर का। ठीक है, किसका निर्माण होता है, सेकेंडरी मैक्युलरी लेयर का क्या हो जाता है, निर्माण हो जाता है। इस प्रकार से कने की मोटाई में क्या हो जाती है, फूलों की मोटाई में क्या हो जाती है, वृद्धि होती है। थर्ड स्टेप जो है वो क्या है, कार्पेल की उत्पत्ति व सक्रियता है, पैटर्न का निर्माण। अब देखेंगे जब जैसे कि द्वितीय उत्तकों का निर्माण होता है, इसका निर्माण होता है द्वितीय उत्तकों का निर्माण होता है, द्वितीय उत्तकों के निर्माण से फूलों की मोटाई में वृद्धि होती है। अब फूलों की मोटाई में वृद्धि होती है तो द्वितीय उत्तक जो है कॉर्टेक्स की कोशिकाओं पर क्या डालते हैं, प्रेशर डालते हैं, जिसके कारण कॉर्टेक्स की जो कोशिकाएं हैं जिसके अपर लेयर की कोशिकाएं हैं वो कैसे हो जाती है, मेरिस्टमैटिक हो जाती है और मेरिस्टमैटिक होकर सक्रिय होकर अपने ऊपर एक लेयर का निर्माण कर लेती है, ऊपरी और स्तर का निर्माण कर लेती है। इस ऊपरी स्तर में एक कांड की स्तर बनता है, इस स्तर को क्या कहते हैं हम, फेरोजन। ठीक है, क्या कहते हैं इस स्तर को, फेरोजन कहते हैं, कार्जन कहते हैं। कार्जन की कोशिकाएं सक्रिय होकर बाहर की ओर, ये क्या है कार्जन, फेरोजन, और फेरोजन के बाहर की ओर के कौन सी परत का निर्माण हो जाता है, फिलम का निर्माण होता है तथा अंदर की ओर किसका निर्माण हो जाता है, फेरोडर्म का निर्माण होता है। ठीक है, किसका निर्माण होता है, फेरोडर्म का निर्माण होता है। ये तीनों परत होती है फिलम, फेरोजन और फेरोडर्म। ठीक है, फिलम, फेरोजन और फेरोडर्म जो होती है आपस में तीनों सम्मिलित रूप से किसका निर्माण करती है, पेरिडर्म का निर्माण करती है, करती है पहले का निर्माण करती है। इस प्रकार से फूलों में क्या हो जाती है, द्वितीय वृद्धि होती है, फूलों की मोटाई में वृद्धि होती है तथा कार्पेल का निर्माण हो जाता है, पहले का निर्माण होता है तथा सेकेंडरी जाइलम और सेकेंडरी फ्लोएम का निर्माण हो जाता है तथा इस प्रकार से फूलों में क्या होती है, द्वितीय वृद्धि होती है। तो ये थी फूलों में द्वितीय वृद्धि। नेक्स्ट वीडियो में हम क्या स्टार्ट करेंगे, हम के जो लीफ स्टार्ट करेंगे, दूसरा भाग है इसका लीफ। ठीक है, थर्ड यूनिट में पहला भाग कंप्लीट होता है आपको उसका। ठीक है, नेक्स्ट वीडियो में हम पढ़ेंगे लीफ है ना कंप्लीट। थैंक यू।